तो साथियों, आज 17 नवंबर सुबह 8 बजे हम लोग लाला परमा शिव लाल दुर्गा शाह धर्मशाला में आ चुके, जिसका ये प्रवेश द्वार है, आप देख रहे होंगे। सभी हमारे साथ 87 बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स की संख्या मिला करके है, जो कि ये लुक देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का। बच्चे रूमों में शिफ्ट हो चुके हैं, स्नान वगैरह करके फाइनल कर चुके हैं। डबल बेड, सिंगल बेड, सिक्स बेड जैसी यहाँ पे फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, जिसमें बच्चे अपने रूमों में जा चुके हैं और उन्होंने अपनी क्रियाएं क्लियर कर दी हैं, नहा चुके हैं, बस नाश्ता करके आगे की क्रिया निकलने की है। बहुत ही बेहतर लुक है और यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ व्यवस्थाएँ, सुविधाएँ प्रदान की हुई हैं। और यहाँ से जो व्यू देखने को मिलता है, व्यू बहुत सुंदर मिलता है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये बच्चे हमारे खड़े हुए हैं, ये पूरा गेस्ट हाउस का नज़ारा है। और यहाँ जो रूमों की कंडीशन है, ये बिल्डिंग से आप देख रहे होंगे। यहाँ हम 87 बच्चे हैं, जिस 87 बच्चों के साथ हैं, जिसमें से रूम हॉल के हिसाब से करीब करीब सभी बच्चे डबल सिंगल, ये ऊपर के लिए देखे जा रहा है। और रूमों की मैं कंडीशन दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये बहुत अच्छा लुक है, साफ सफाई अच्छी है, बेहतर है। ये इस तरीके से मैं आपको रूमों की तरफ लेकर के जाता हूँ। ये इस तरीके से बेहतर फैसिलिटीज़, ये बच्चों के रूम और साथियों के रूम। मैं एक रूम आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये रूम की फैसिलिटीज़, ये देखिए, अलग अलग बेड्स, हाँ बच्चों ने अपने बैग्स वगैरह फिट कर रखे हैं। और ये लुक नज़ारा यहाँ से देखिए, बड़ा ही अच्छा व्यू आता है यहाँ से। ये साथियों का रूम है, यहाँ पे भी 3 बेड है। और ये देखिए, हाँ ये साथी हैं हमारे। तो यहाँ से व्यू देखिए, बहुत अच्छा प्लेस है मेरे हिसाब से। नैनीताल आएँ तो इससे बेहतर रुकने का स्थान नहीं है। बहुत ही सुंदर फैसिलिटीज़, बाथरूम, किचन, आप अपने साथ खाना बनाने की व्यवस्था करके लाते हैं तो किचन की भी व्यवस्था है, बिस्तर इत्यादि सारी व्यवस्थाएँ। बहुत सुंदर व्यू है, ये देखिए, यहाँ से नैनीताल का नज़ारा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। और आगे अब हम लोग कुछ ही क्षण के पश्चात आगे के स्थलों के लिए निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ का ये नज़ारा बहुत सुंदर नज़ारा।